एक बार फिर से भाई सभी भाइयों का चैनल पे स्वागत है। अभी अभी मैं छत पे आया था ना, एक कबूतर बैठा हुआ था, उस साइड चला गया। ब्लैक कलर का कबूतर है भाई। काम करता हूँ, अपने ये सारे कबूतर है ना निकाल देता हूँ, क्या पता इनको देख के नीचे आ जाए। चलो 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 चलो, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, आज एक कबूतर आ रखा इतने टाइम बाद। बार ऊपर चेक करके देखता हूँ, आराम से जाता हूँ। जंगली कबूतर भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, इनके साथ में उड़ जाए। अरे ये तो अपना कबूतर है यार, कबूतर भी बैठा हुआ था इसके साथ में। कहाँ पर चला गया वो? ये बैठा ये बच्चा बैठा हुआ, ये देखो ये बच्चा बैठा वाले रंग का, पूरा का पूरा काला है। हमारे कबूतर नीचे का लगता है इसी के साथ में कोई नया कबूतर आया है। ये देखो ये बैठा हुआ सामने। दाना डाल के भाई ट्राई करता हूँ उसको ऊपर से बुलाने की, हालांकि है ना अपना कोई भी कबूतर ऊपर नहीं जा रखा। अभी ट्राई करता हूँ, क्या पता जंगली कबूतरों के साथ में ही आ जाए। ये देखो एक हाथ में दाना है, ये बैठा, ये मेरा कबूतर बैठा हुआ है। ले 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 आजा, ये उड़ गया यार, ये उड़ गया। शिट, वो भाग गया। था नहीं यार, अभी अभी उड़ गया वो कबूतर, चक्कर ही काट रहा था अपने यहाँ पे। ये तो नहीं है, अब तेरे के साथ में चक्कर काट रहा था अपने वाला, तो बैठ गया क्या, पर वो पता नहीं कहाँ पे निकल गया। देखो ये कबूतर ही आया, अगर ऊपर के भी कबूतर खुले हो ना अपने तो यार आराम से बैठ जाए। कोई कबूतर पकड़ने की ट्राई करो, छत पे मैंने ना इतना टाइम होगा कबूतर नहीं पकड़ा अब तक। देखते अपने हाथ आएगा कि मुश्किल होने वाला है। ये कबूतर सारे मुझसे डर रखे हैं, मेरी है ना पहचान नहीं रही। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कबूतर कहाँ पे बैठा हुआ। ये रहा, ये देखिए आगा, ये आगा भाई, ये रहा देखो, डर रहा है ये भी मुझसे। ये नया कबूतर कालिया, इसको गोले नस्ल में क्या बोलते होंगे। यहाँ पे मैंने दाना डाल दिया, कबूतर यहाँ पे बैठा हुआ बहुत डर रहा। ले कबूतर होते हैं इसके लिए हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं जो दूसरे इंसान होते हैं। यार मैं धीरे धीरे ना रिस्क लेके इसको इस साइड करने की कोशिश करता हूँ, पर ये चंट कबूतर जैसे देख रहे हो ना। अरे यार उड़ने करने लग गया, एक बार ऊपर जाकर बैठ गया ना फिर ये मुश्किल ही हाथ लगा, क्योंकि एक तो जंगली कबूतर भी बार बार ऊपर नीचे जा रहे हैं। ये देखो इतने सारे बैठे हैं, देखेंगे ये कबूतर जैसे मैं आगे हुआ। यार ये अपने कबूतर आगे चले जाए ना तो बात बन सकती है। ये देखो ये बैठा हुआ है। अरे तू उड़ ले काका पहले सब। अरे यार मुश्किल ही बात बनेगी इसका, मेरे को ये दाना गिर के उठाना पड़ेगा। अपने पास भाई आए हैं, कहाँ से हो भाई आप लोग? भाई परनाले गांव से, बहादुरगढ़ अपने परनाले से आए भाई। ये रेस्क्यू करी थी, क्या नाम है इस फीमेल का? जिमी, तुमने रखा है ना जो रेस्क्यू करी थी बहादुरगढ़ से, किसी है ना भाई ने छोड़ दी थी। एक नंबर की ब्रीड है अमेरिकन बुल्ली की, तो ये भाई ब्रीड ऐसी होती है, लोग है ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, पाला ना जा तो भाई रखा मत करो, छोड़ दे ठीक बात ना लगती। हमने अपना डेवी को मंगवाया और जो फीमेल है हीट पे आ रखी है, इनकी मीटिंग करने के लिए ना, बस फेस टू फेस दिखाने के लिए। आजा गोलू इस साइड लिया, देख डेवी आजा बेटा, बहुत फ्रेंडली। अपने तो इंसान ना तो कुछ ना कहता, कुत्ते तो भी कुछ ना कहे अगर उसने भुखण ना आओगे तो, कोई भी कुत्ता। तो अभी भाई इनका रिएक्शन चेक करते हैं क्या होगा क्या नहीं, जिमी का और डेवी का रिएक्शन। फिर जो है ईट पे आ रखी है भाई, इसने सही पकड़े रखी हो क्योंकि इसका ही डर है, हमने वो कुछ ना बोला है। ये वो होगी यार, पकड़ कर रखी है बस तू। ओए ना ना, वो मत कर एग्रेसिव मत। हाँ बेटे आ जा आराम से आराम से, ये देख ना 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 ना, नू मत कर नू मत कर, एग्रेसिव हो जाएगी। पीछे रखिए पीछे रखिए पीछे रखिए पीछे रखिए, ये देखो भाई मैंने एक्सेप्ट तो ना करा था, यो तुमने कैसा बना दिया रे यो, हैं गाली अटैक कर कर। ना 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 पकड़ करा, खींच ले जाएगा दूर। हाँ हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, क्यों यार क्यों है डेवी, कई दिन बाद दिखे आज में इसने। यार इनकी तो फाइट हो जाएगी यार सच में। ना डेवी नो, ना ना छोड़िए मन्ना छोड़िए मन्ना छोड़िए मन्ना छोड़िए मन्ना यार। ओए नो, ना कुत्ता पड़क होना पड़क होना, इंसान ना तो कुछ ना कहे यार, इससे भी कुछ ना कहे अगर यार सामने तो गुर्रा बना ना। दूर रखिए दूर रखिए दोस्त, दूर रखिए दूर रखिए। डेवी वो इसको क्यों बांध के लिया यार, इसको क्यों लिया, वो पागल है क्या? रुक जा क्या कर रहा है यार नीतीश, तुम पागल हो? अरे यार तुम, हमने एक बार ऐसन की फाइट, लैबरा डॉग आया था हमारे यहाँ पे ब्लैक डॉग, उसके साथ करवाई थी फाइट निकल, लेकिन फाइट इसने करी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत उस पर गुर्रा रहा था। ये मार देगा उसको, रोक के हमारे पास बचपन में था। ओए रुक जा, ओए ओए लड़ाई हो जाएगी, रुक जा, ओए ओए ओए
हो जाएगी लड़ाई हो जाएगी। हमारा जो योकी है ने भूमेश को दे दिया, हमारे पास लव लूसी भी थी ने, ना देखो कितनी अच्छे से ख्याल रख रखा भाई, कितना बड़ा कर दिया, अब तो यार कितना प्यारा सा भी लग रहा है ना यार। ये क्या लगवा दिया भूमेश ने भाई, लूसी पे भी अटैक कर देता था बचपन में तो बहुत अग्रेसिव था। रोकी रोकी भाई ये देखो आया, आमने सामने होने वाले हैं को भाई, मुंह निकाल रहा है इसमें से भाई। दो ही दिन में ना रोकी ने इसको अपना घर मान लिया अच्छे से, ना तो परिंदों पे अटैक करता है, खैर परिंदों पे अटैक तो लूसी भी नहीं करती, पर लूसी इससे बहुत ज्यादा डर रही है और ये लूसी भोंकती भी नहीं है। खाने में बहुत एक्सपर्ट रहती है, खाएगी सब कुछ और पर काटेगी नहीं। रोकी को कलम ने खाने के लिए स्टिक दी थी, चिकन स्टिक, वो शेर की तरह गुर्रा रहा था। देख अगर एक थाली में इन दोनों को देंगे लूसी का क्या हाल करेगा, अगर लूसी खाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा तब क्या करेगा। टाइसन को दूर रखे यार, बाय चांस टाइसन ने इसको चोट मार दिक्कत हो जाएगी, फाइट हो जाएगी, फाइट हो जाएगी। रेंट दे यार, रेंट दे, भूमेश ने तो उसको ट्रेन कर दिया यार, अच्छे से फाइट करवा रहा, देखो कैसे टाइसन भी इतनी बात नहीं मानता और इसकी बात मान रहा भूमेश की। नीली कबूतरों को, अरे यार तेरे काफी टाइम हो गया ना, तेरी छत पर भी पेटी रखी ना, अब तक कबूतर नहीं आया है, तो दिन का मौका दे मेरे को, मैं पक्का तेरी छत पर भी कबूतर लेके आऊंगा। नीतीश क्या हुआ यार, आज कबूतर हमारी छत पर बैठा था काले रंग का, क्या वो हमारी घर की छत पर बैठा था, काला कबूतर था बिल्कुल, क्या पता मेरे पापा पकड़ ले, अगर मेरे पापा ने पकड़ लिया होगा ना तो मैं रात को भी जाके चेक करूंगा तो उसको ही लेके आ जाऊंगा। गोला कबूतर था पूरा काला और काली आंख, बैठा था छत पे अपने आप पे, पता नहीं कैसे जंगली कबूतरों के साथ में, पता ना कहाँ से आ। अभी है ना एक बार अपने कबूतर का वो चेक कर लेते यार, जिस कुई ने अटैक नहीं किया था जिसके ऊपर, उसकी चोट ठीक हुई है या नहीं हुई, निकाल दिखा, ठीक हुई कि नहीं हुई इसकी थोड़ी वो चोट, दिखा गर्दन के पास लगी थी इसको चोट, यहाँ पे इसको कुई ने बहुत तगड़ी चोट मार दी थी, वो भर गया भर गया भर गया गाँव है ना, उड़ाना ना है बिल्कुल भी, क्योंकि इस टाइम है ना कुई आके ले जाती है आराम से छोड़ दे। हम कुई से बचाने के लिए क्या करते हैं, पे दाना नहीं डालते, जो केज बनवा रखा है ना ट्रैप के अंदर दाना डाल देते हैं, ये सारे कबूतर ट्रैप के अंदर चले जाते हैं, फिर बाद में निकल नहीं पाते, कोई भी नहीं रहता उड़ने का, एक यार उड़ जाएंगे, हाँ कुई तो जा ही नहीं सकती यार। करो भाई धीरे धीरे करके सारे कबूतर जा रहे हैं, पीछे से धक्का दे धक्का दे धक्का दे, पीछे से धक्का दे धक्का दे धक्का दे धक्का दे, हाँ बस चले गए। अभी अभी मैं जस्ट नहा के निकला हूँ बाथरूम से और जैसे इस साइड आया, देखो भाई एक कबूतर बैठा हुआ है सफेद कलर का, जंगली कबूतरों के साथ नहा रहा है, ये हमारा ही कबूतर है, मेरे को लगा था ये उड़ जाएगा पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये बैठा हुआ, ये बिल्कुल गलत जगह पे बैठा है, क्योंकि कई बार क्या है बिल्ली है ना ये जो गेट रख रखे इनके पीछे बैठ जाती है घात लगा के, इनको पकड़ने के लिए काफी टाइम आंखों के सामने से जंगली कबूतर को पकड़ के ले जा चुकी है। चलो इनको उड़ा देता हूँ, चल यार बिल्कुल भी उड़ने का नाम नहीं ले रहे, अपनी मौत बुलानी है, ये देखो कैसे स्विमिंग पूल के जैसे ऐसे मजे ले रहे हैं गर्मी में नहा के, चल जो व्हाइट कबूतर है ना बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है, उड़ ले यार क्या कर रहा मरेगा, चल इसको मेरी अभी बात समझ में नहीं आएगी, जब इसके ऊपर अटैक हो जाएगा ना तब ये समझे। क्या करता हूँ यार अभी उसको वहीं पे जाके उड़ा देता हूँ, क्यों बेचारे की जान का रिस्क लेना, तो दो मिनट लगेगी उसकी जान बच जाएगी, वहां से उड़ के यहाँ पे आके बैठ गया है, पर ये जगह भी भाई इसके लिए रिस्क वाली बात है क्योंकि यहाँ से भी बिल्ली आराम से आके इसको मार सकती है। चल ये उड़ा बिल्कुल भी उड़ा नहीं था, वो यार इधर भी इधर गिर गया, वो शुक्र है वहां पे बिल्कुल सेफ जगह है इसके लिए, उच्ची छत है ना वो वहां पे बैठ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जंगली कबूतर इसने यहाँ पे अंडे देने की प्रोग्राम फिर से बिठा लिया है, दिनों में ये अंडे दे देगी, मैं सोच रहा हूँ यार इसके अंडे बदल के व्हाइट कबूतरों के रख देते हैं इसके नीचे, फिर मम्मी और पापा तो इसको यहाँ से भगाने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो शटर का पूरा कितना गंदा शटर कर दिया इन्होंने। अरे आज हमें है ना वो कबूतर भी चेक करना है जिसको कबूतर मंगा खोल ले रहे, क्या हो गया तेरा पापा नाटता है, उसने जाना है कि देख देख ना खोल के बैठ दे, मम्मी कबूतर खोल लूंगा ना मेरे को है ना चेक करना, कल एक नए कबूतर बैठा था इसलिए मैंने कल कबूतर खोले थे, ना तो मैं खोलता भी ना, ये काला कबूतर बैठा था छत पर अपनी पे इसलिए मैंने नीचे एक कबूतर खोल लेते यार, एक बार चल के उस कबूतर को चेक कर लेते हैं, क्या पता मेरे पापा ने पकड़ लिया हो, क्योंकि मैं तो प्लॉट पे चला गया था तुरंत की तुरंत, पकड़ा होगा ना तो उसको शिफ्ट कर देंगे अपने मिनी ज़ू पे। जो दोनों बच्चे हैं ना जंगली कबूतर के, जो हमारे शटर के ऊपर जंगली कबूतरी और कबूतर ने अपना घोंसला बना के बच्चे निकाले थे ना, अब की बार वो दोनों है, अब देखो एक मंजिल इन्होंने ऊपर शिफ्ट कर दी, इनको पता लग गया लगता है यहाँ पे कोई नहीं रहता इसलिए ये यहाँ पे आ गए। ओए यहाँ से उड़ जाओ, बिल्ली आती है यहाँ भी पकड़ लेती है भाई, यहाँ पे एक दिन पंख मिले थे मेरे को मरे हुए कबूतर के, जानी
भाई अपनी छत पे बहुत सारे जंगली कबूतर बैठे रहते हैं, इसलिए हमें ना कई बार कबूतर बैठे मिल जाते हैं अपनी छत पे। किसी का भी कबूतर जंगली कबूतरों को देख के बैठ जाता है। एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं कहीं किसी का कबूतर तो नहीं है। अरे यार आज तो कबूतर ही नहीं बैठे हुए। एक जंगली कबूतर की देखो पूछ फाड़ रखे। लगे हाथ उस जंगली कबूतरी को भी चेक कर लेते हैं कि नीचे मेरे पापा ने सफेद कबूतर के अंडे बदले थे या नहीं बदले थे। आज पता लग जाएगा क्योंकि उसके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वो बदल रखे थे, ये देखो सफेद के हैं भाई। दफास कबूतरों के बच्चे निकल रखे हैं। मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ आप लोगों को, देख के बताओ कैसे लगे आप लोगों को। ये देखो यार काफी खूबसूरत बच्चे हैं। ये देखो भाई एक नंबर के निकलेंगे। तो इनके पंख सफेद होंगे और ये इनकी बॉडी काली होगी। यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस टाइप के कबूतर मेरे को यार बहुत ही ज्यादा पसंद है। यार बड़ी उम्मीद के साथ मैंने दड़बा खोला था। मैं तो काला कबूतर है ही नहीं, इस टाइप का कबूतर था पर इससे भी ज्यादा खूबसूरत था। पर इसमें है नहीं यार, दिख रहा है एक अंडे में से अभी अभी बच्चा निकला छोटा सा और कुछ चुन्नू मुन्नू वहां पे दिख रहे हैं। बार नीचे के दड़बे में भी चेक कर लेते हैं क्योंकि वो कबूतर कल इसी छत पे बैठ रहा था बार बार। वो उड़ जाने के बाद भी एक बार फिर से बैठा था, मेरे को मैं अपने चला गया था। तो अभी एक बार इसमें चेक कर लेते हैं खोल के, क्या पता इसमें आ गया हो। यार मिल जा। नहीं यार नहीं है, ये तो मेरे वाला ये काला कबूतर जो वहां पे बैठा हुआ है। शेट यार वो भाग ही गया आखिरी में। गोले कबूतरों की जो नस्ल होती है ना वो ऐसी होती है, जल्दी से हाथ में नहीं आती। अगर छत पे बैठ भी जाती है ना उसके पास कोई गया ना तुरंत टूट जाती है डर के मारे। जंगली कबूतरों से भी खतरनाक होते हैं। और इस जंगली कबूतरी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल है ना सुस्त हो रखी है और मतलब उड़ा नहीं जा रहा होगा इससे। ये देखो कितनी डाउन सी हो रखी है। मैं इसके पास जाके देखता हूँ कहीं यार इधर भी नहीं उड़ा जा रहा, पर ज्यादा नहीं उड़ा जा।